तेरे। बहुत जन्म बिछड़े के मारो, मारो रविदास आशनक जीवो चिर पयो दर्शन देखे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
जन्म पै की
कीट पतंगा कई जन्म गज में कुरंगा कई जन्म पंच सर्प होयो कई जन्म है वर वृक्ष जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल रह देह सजरिया अपनी चरण
चरने लावो अपने 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 चरने लावो
वाहगुरु 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 वाहे गुरु
गुरु नानक बोले दरगह पर गुरु नानक बोले दरगह परवा गुरु नानक बोले दरगह परवा गुरु नानक बोले दरगह परवा दास की लाज रखे दास की लाज
सारे संसार नहीं
कोई देवता नहीं, खुद निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तू ही निरंकार। आज मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, गोरखमता नाम की धरती पर पहुंचे, जिस धरती का नाम था गोरखमता। वहां पर सिद्ध तप किया करते थे। गुरु नानक पातशाह के तकरीबन जितने भी सिद्ध हुए हिमालय पर्वत पर या कहीं पर भी पूरी जहां जहां भी वो गए आदि दुनिया में, सिद्धों से गोष्ट हुई साथ संगत। ये सिद्ध जो तप कर करके रिद्धियां सिद्धियां तो प्राप्त कर ली, कोई उड़ सकता है, कोई जला सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कई रिद्धियां सिद्धियां इनके पास। पर गुरु नानक पातशाह जहां पर भी गए गुरु जी के सामने किसी की भी पेश नहीं चली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ये सोचते थे कि गुरु नानक पातशाह उन्हें हराने आए, पर गुरु नानक पातशाह हराने नहीं, समझाने आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मूल सार गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझाते रहे साथ संगत जी, वो ये थे कि तप कर करके रिद्धियां सिद्धियां तो हासिल कर ली, पर प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने खुश कर दिया, सेवा कर दी तो उसका काम सवार दिया, किसी ने सेवा नहीं की तो उसका काम बिगाड़ दिया, फिर से आने जाने के चक्कर में पड़े रहे। गुरु नानक पातशाह का मूल उपदेश सिद्धों को भी यही समझा कर गए जहां गए कि जब तक नाम नहीं जपोगे मन की शांति नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मस्कीन जी कमाल की वह घटना बताते हैं, मस्कीन जी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहते, एक जगह पर, मुझे इस वक्त जगह का नाम नहीं याद, एक कोई बड़ा ही रिद्धि सिद्धि प्राप्ति वाला एक सिद्ध हिमालय पर्वत से उतर के नांगा से साधु मेरे पास आ गया। उसने सुन रखा था मेरे बारे में, कहीं से सुन लिया होगा, आ गया मिलने के लिए और मुझसे चर्चा करने लगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि आप जो नाम 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 की बात करते हो, क्या शक्ति है नाम में जो हमारी रिद्धियों सिद्धियों के सामने। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी बताते हैं, हमने कहा कितने साल हो गए तप करते हो, तो उसने बताया तकरीबन 60-70 साल हो गए। क्या हासिल किया? तो उस सिद्ध ने, उस साधु ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की सूखी और मंत्र पढ़ा, उसमें आग लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा ये देखो मेरी शक्ति। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहने लगे, मैं मुस्कुरा पड़ा, दूसरी लकड़ियां ढेर इकट्ठा किया, मैंने माचिस निकाली, आग लगा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मस्कीन जी समझाने लगे, 60-70 साल लगा के यही करना है जो चारण की माचिस कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही ज्ञान गुरु नानक पातशाह सिद्धों को देने गए, सारी सारी उम्र गृहस्थी से भाग कर तप कर रहे हो, पर दुनिया का कुछ नहीं सवारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का भला नहीं कर सके, ना अपना ना किसी का। जब गुरु नानक पातशाह गोरखमता की धरती पर पहुंचे, सिद्धों ने देखा गुरु नानक पातशाह आए हैं, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, तो उन्होंने विध बनाई कि यहां पर आकर भी ये हमें हरा देगा। उन्होंने धरती के नीचे गुफा बनाकर एक बालक को छिपा दिया, ऊपर से मट्टी डाल दी। गुरु नानक पातशाह आए तो कहने लगे, यहां से चले जाओ, ये धरती हमारी है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिया, ये धरती सारी की सारी निरंकार की है, ना तुम्हारी ना हमारी। सिद्ध कहने लगे, आओ धरती से पूछ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिद्धों ने धरती को आवाज दी कि बता तो किसकी है। तो अंदर बैठा बच्चा बोल रहा है, गोरख मता गोरख मता गोरख मता। अब गुरु नानक पातशाह ने आवाज दी कि बोल ये धरती किसकी है, ध्यान देना साथ। दो बार सिद्धों ने पूछा, दूसरी बार जब पूछा तो गुरु नानक पातशाह ने कहा तू बोलने लायक है, तो बच्चा वहीं पर मर गया अंदर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बोल नहीं सका। अब गुरु नानक पातशाह ने धरती से पूछा बता तो किसकी है, तो धरती बोली, सचमुच धरती बोली कि नानक मता नानक मता नानक मता। ये लंबी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि दास का कहना कुछ और है, इस वक्त कुछ और समझाना चाहता है। उस बच्चे को भी जिंदा कर दिया गुरु नानक पातशाह ने, सिद्ध भी चरणों में गिर पड़े। पर यहाँ पर विचारने वाली बात है, गुरु नानक पातशाह बोले धरती से तो धरती भी बोल पड़े। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले दर गए परवान, जो गुरु नानक पातशाह बोलते हैं वो होता है। तीन काल सत्य, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आओ दो पंक्तियां पढ़े, गुरु नानक बोले दर गए परवान, गुरु नानक बोले से। गुरु नानक पातशाह पूरब की तरफ चल पड़े, जहां पर यह घटना हुई, पहली घटना। वहां पर गुरुद्वारा सुशोभित है, गुरुद्वारा नानक मथा साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह आगे बढ़ चले। अब जहां पहुंचे, भाई मर्दाना जी कहते हैं पातशाह भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत दिन हो गए कुछ नहीं खाया। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं कि आगे चल। थोड़ी दूर सिद्ध मंडली बैठी है, वहां पर जाकर उनसे भोजन मांग लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सिद्ध मंडली एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। एक तरफ सिद्ध मंडली बैठ गई, दूसरी तरफ गुरु नानक पातशाह बैठ गए। मर्दाना गया उनके पास,
सिद्धों ने पहचान लिया ये गुरु नानक आए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वही बात कि हमें हराने आए। जब भाई मर्दाना जी ने उनसे जाके बेनती की कि भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा, तो सिद्धों ने कहा अपने गुरु नानक से मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं निरंकार धरती पर आए, जो चाहे कर सकते हैं उनसे मांग, हमसे क्यों मांगता है। भाई मर्दाना जी मायूस लौटे, गुरु नानक पातशाह से कहने लगे, पातशाह सिद्धों के पास मत भेजो, बेइज्जती होती है, आप सर्वकला समर्थ हो, जो चाहे कर सकते हो, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ का नाम था रीठा पेड़। रीठे का पेड़ होता है साथ संगत जी। ये रीठा एक ऐसा फल है, असल में फल है ही नहीं, पुराने जमाने में इससे कपड़े धोए जाते थे। बहुत ही जहरीला होता है, मुंह में डालो तो उल्टी आ जाए, इतना कड़वा, नीम से भी ज्यादा। गुरु नानक पातशाह ने पेड़ की तरफ इशारा किया ऊपर, मर्दानिया हमारे ऊपर जो रीठे लगे हैं इन्हें तोड़कर खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले दर गए परवा। भाई मर्दाना जी कहने लगे, पातशाह मारना ही है तो ऐसे ही मार दो, ये जहर खिला के मारना चाहते हो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, वचन मान। भाई मर्दाना जी ने वचन मानकर वो रीठे तोड़े, शहद के जैसे मीठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी बड़े खुशी से वो रीठे तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। सिद्धों ने देखा, हैरान हुए कि ये कड़वे रीठे जब उन्होंने तोड़ कर खाए अपनी तरफ से तो अत के कड़वे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जहां गुरु नानक पातशाह बैठे थे वहां से आए, वहां से तोड़ कर खाए तो मीठे। एक ही पेड़, ध्यान देना साथ से बच्चे, एक ही पेड़। आज भी यहाँ पर गुरुद्वारा रीठा साहब सुशोभित है, जाओ तो वहां पर रीठे का प्रसाद मिलता है। एक पेड़ है, एक पेड़ में आधे फल जहाँ गुरु नानक पातशाह बैठे थे आज भी मीठे, और दूसरा हिस्सा कड़वा जहर के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे मित्र बताते हैं आज तक मुझे उस गुरुद्वारे के दर्शन करने का मौका नहीं मिला। नानक माता साहब को तो दर्शन हो गए थे, परीठा साहब के दर्शन आज तक मुझे नहीं हुए। मेरे मित्र बताते हैं कि वहां पर अंग्रेज आकर खड़े होते हैं, ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये क्या चमत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले दर के पार। गुरु नानक पातशाह जो भी बोल गए हैं वो तीन काल सत्य है। सबसे पहले ये बात मन में बिठा लो, इतनी सी भी, इतना सा भी डाउट नहीं करना। गुरु नानक पातशाह की बाणी पर ही एक बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। शर्त है जो गुरु बाणी कहे वो हम मान ले, बाकी तारने का दायित्व उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले दर गए परवा। गुरु नानक बोले दर गए परवा, गुरु नानक बोले दर गए परवा। दास की लाज रख रहे हैरवा, दास की लाज रख रहे हैरवा। गुरु सिर जन्मा
बोले दरगह परवार। अब यही धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस संसार सागर को पार करना है, अगर तू चाहता है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, क्योंकि यह तथ्य है सत्संगत जी, मॉरल है, दुखों का जो बीज है वो है जन्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म है तो मरण है ही है, तकलीफें बीमारी ये सब है ही है, और उसका मूल है जन्म। इस भवसागर को पार करना है, जन्म मरण से छूटना है, सदी भी खुशी में रहना है, तो एक काम करना होगा गुरु नानक पातशाह के वचन है। क्या? वो भी गुरु नानक पातशाह के ही वचन है। पाछा कह रहे हैं, गुरु नानक बोले दरगह परवान। गुरु नानक पाछा कह रहे हैं, तू अमृत वेला संभाल ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू अमृत वेला संभाल ले, तेरा जन्म मरण काट दूंगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी, मोख द्वार मुक्ति मिल जाएगी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु जी के पास संगत आई थी ना इकट्ठी होकर, बेनती की थी पाचा आप कहते हो श्वास श्वास सिमरन करो, हम गृहस्थी हैं, दुकान भी चलानी है, धंधा भी चलाना है, बच्चों को भी संभालना है, घर गृहस्थी भी पालनी है, कई तरह के टेंशन, हम कैसे श्वास श्वास सिमरन कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर हम श्वास श्वास सिमरन नहीं कर सकते तो क्या हम डूब जाएंगे, भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे, क्या करें। सिखों ने सवाल किया था, गुरु जी ने बड़े कमाल का जवाब दिया था साथ संगत, हमारा भी यही हाल है। श्वास श्वास सिमरन ये बड़ी ऊंची अवस्था है, किसी विरले के हिस्से में आते हैं, हम नहीं कर सकते तो क्या हम डूब जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी मुक्ति नहीं होगी, हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। गुरु महाराज ने समझाया नहीं, कितनी कमाल के ढंग से समझाया, कहने लगे सारी की सारी नाव पानी में डूबी हो, केवल चार उंगली बाहर हो, चार उंगली वो सागर को पार कर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे सारा दिन 24 घंटे धंधे में लगे हो कोई बात नहीं, सिमरन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चार घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चार घड़ियां, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, चार घड़ियां मतलब तकरीबन डेढ़ घंटा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन ढाई घंटे के हैं, पर गुरु साहब जी ने देखो तकरीबन कम से कम एक घंटा 36 मिनट, तकरीबन डेढ़ घंटा गुरु महाराज जी के वचन किसी इंसान के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि डेढ़ घंटा अमृत वेला संभाल ले तू भव सागर से पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोल रहे हैं डर गए परवाह, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है साध संगत जी, जो गुरु ने अमृत वेला बख्शा है हमें, तरस किया है गुरु नानक ने, तरस। कर्म है अमृत आन निसारे हो, खिसर गए हो पूम पर डारे हो, साध मोहिलादि अहंकारे दोष नहीं प्रभु करने हारे। कहीं हमारा हाल ये ना हो जाए कि अमृत मिला पर हाथ से गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब पिछली बार यहाँ पर कीर्तन रखा था गोल मैदान पर, उसके बाद संगत काफी बड़ी अमृत वेले पर उतनी नहीं जितनी यहाँ पर आती थी, तो मैं संगत मिलने आती थी गोल मैदान की बहुत मुझसे, फिर मैंने उनसे पूछता था मैं क्या घर में अमृत वेला संभालते हो, तो कहते थे हाँ हम वहां नहीं आ पाते, पर तकरीबन 90% संगत ने मुझे ये जवाब दिया कि हम उठते हैं घर में 4 बजे 3 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब मेरा मन हुआ हाँ यहाँ पर किया हुआ ये समागम सफल हुआ, इसलिए दोबारा यहाँ पर रखा, हो सकता है जिनका पिछली बार नहीं बना इस बार बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोल रहे तर गए परवाह, तीन काल सत्य है, जिसको अमृत वेला मिल गया उसे मुक्ति भी मिल जाएगी, गुरु नानक के चरणों में निवास मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात है साथ संगत जी, सारी दुनिया एक बात कहती है, सारी दुनिया, मैं बड़े बड़े राइटर्स बड़े बड़े संतों की बात पढ़ चुका हूँ जिन्होंने कहा है कि आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता। आदमी का जो स्वभाव है ना, जो नेचर है, स्वभाव किसे कहते हैं, रोज वही काम करता जाए और उसे एहसास ही ना हो कि वो क्या कर रहा है, आदमी का स्वभाव बन जाता है। किसी का झगड़ा करने का स्वभाव है, किसी का जोर से बोलने का स्वभाव है, किसी का अहंकारी स्वभाव है, किसी का चोरी करने का स्वभाव है, किसी का झूठ बोलने का स्वभाव है। बड़े से बड़े लिखारी लिख गए हैं कि स्वभाव नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी भी कह गए हैं कि आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता, पर कमाल है मेरे धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए अमृत वेले की वढ़ियाई। चालागे उठ नाम जप जप निसबासुर आरा, चालागे उठ नाम जप जप निसबासुर आरा, कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपार, कारा तुझे न व्यापई
चाला घे उठ नाम जप, चाला घे अमृत वेले उठ नाम जप। क्या होगा? निस बासुर रात दिन आराध, निस कहते हैं रात को, बासुर कहते हैं दिन को। कारा तुझे ना व्यापई चिंता जिससे हम सब ग्रस्त हैं, चिंता अपना जोर तुझ पर नहीं डाल पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू निश्चिंत होकर जीने लग जाएगा। सच है साथ संगत जी, विश्वास करो, अमृत वेला संभालो दृढ़ता से। एक दिन ऐसा आता है, चिंता होती जरूर है केवल कुछ सेकंड के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरा पूरा दिन चिंता में नहीं बीतता, कुछ सेकंड, क्योंकि आसरा है गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सबते वड्डा सतगुरु नानक। कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद, उपाद कहते हैं तेरा स्वभाव, तेरा जो झगड़ालू स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसकी वजह से तू भी परेशान है, आसपास के लोग भी परेशान हैं। तेरा स्वभाव भी बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा, अगर तू अमृत वेला संभालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये गुरबाणी कह रही है, चाला गे उठ नाम जप स्वभाव। हमारे मास्टर जी स्कूल में हमें पढ़ाया करते थे, एक सर थे, हमें आके बोर्ड पर लिखा करते थे हैबिट, और फिर एच मिटाते थे, कहते थे अबिट रिमेंस। हैबिट इतनी खतरनाक है, एच निकाल दो अबिट रिमेंस, ए निकाल दो इट रिमेंस, आई निकाल दो टी रिमेंस, चाय का कप फिर नहीं छूटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें समझाते थे कि आदत नहीं छूट सकती किसी की भी, पर गुरु नानक पाशा कहते हैं तू आ मेरे पास अमृत वेले उठ, तेरा स्वभाव भी बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक है परमात्मा।
दास इलाज रखे मेहरवान संगत सारी संगत दास इलाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगे परवान गुरु नानक बोले दरगे धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कल जब सारी रात बरसात होती रही तो दास यहाँ पर आया था, संगत भी बहुत सेवा कर रही थी, पानी निकाल रही थी ग्राउंड में से, तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर सुबह प्रोग्राम होगा कि नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तो सारी संगत से दास की बेनती हाथ जोड़कर, चाहे बरसात ही क्यों ना हो रहे हो, हम अपना यहाँ पर चालिया निभाएंगे। गुरु साहब जी कृपा से इस प्रकार से सेटिंग की है, ना लाइव बंद होगा ना आवाज़ बंद होगी, हम भीग कर भी बैठेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। अगर ज़रूरत पड़े तो घर से अपनी अपनी छतरी ले आना, पर अमृत वेला नहीं छोड़ना। वैसे गुरु नानक मेहर ही करता है, कीर्तन के टाइम बारिश बंद हो जाती है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज सुमत बख्शा करते थे, कभी अरदास नहीं करना कि बरसात न पड़े। ये गुरु के भाने में टांग अड़ाने वाली बात होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु। उसका भाना मीठा करके मानना है। अगर बरसात पड़े तो बाबा आनंद सिंह जी महाराज धारणा पढ़वाया करते थे, गुरु नानक दे दरबार अमृत वर्ष रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। यही समझना है कि अमृत वर्ष रहा है और बैठे रहना है। कभी ये पूछना नहीं कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, गुरु मेहर करें यहीं पर ही हो। आइए अब चौपाई साहब जी का पाठ करें। कभी बाज बेनती चौपाई हम करो हाथ पैर अच्छा पूर्ण इच्छा तो चरण मन अपना जा करो पारा हमरे सब पावा आपा दे सुखी बचन मोरो करवाला सब मोर अच्छा जगत सब कर रो आज करिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन के रे प्यासा तुम छा छा जो बरचाओ सुनते पावा सेव सिखा मारता चुन चुन सल रमारी तारी आपा दे मुझे वरिय मन का ताता समरिय पूजो सुधा मारी अच्छा श्री अच्छो जो करियो यच्छा राकयो बड़ा कारे सारे संसारे प्यारे दीन मन दुष्ट ते मिला तुम हो पुरी चतुर रस नस्ता काल पाए ब्रह्मा मंतरा काल पाए शिव शिव मंतरा काल पाए हरि कृष्ण प्रकाशा सकल काल पर सकल प्रजा भले बुरे जा
जातम संसार एक रूप रूप स्वरूप रख गयो राग कई को पाय डर जे रे से से के उत्पल काम और दे दे कौ बोल राजा बेटा कौ समट पे शंकर के सबरी से से दिखाए चंपो आत्मा सुरो सिखो बार सिख करो दूसरे देव पत्र पाता सर्वेश करो रंगाता जय जो तो सर्दी परे जिनके दोष दुख तो है परे पुर को जन्म परे दिया जिनके तो संकट संतारे लोग को एक बार पे ताके काल बढ़ते हैं रशावी नहीं सकाला दोष तेरे पतरे तत्काला पाद न जाए तेरे ताके ताप हरे हरे सिद्ध कर भोसोई ग्राउंड छोटे पड़ गए थे गुरु नानक की मेहर से गुरु मेहर करे और भी छोटे पड़ जाए इस वजह से पीछे का भी ग्राउंड हमने लिया हुआ है रोटरी क्लब वाला तो जो लंगर प्रसाद है वहाँ पर है चाय का और लंगर का अरेंजमेंट बहुत सारी संगत को पता नहीं था कल खाली चली गई थी लंगर प्रसाद ज़रूर लेकर जाएँ इस ग्राउंड के पीछे एक और ग्राउंड है रास्ता है पीछे वहाँ से लंगर प्रसाद लेकर जाएँ और दूसरा पिछली बार जो अरेंजमेंट नहीं हो सकी थी इस बार बाथरूम्स की अरेंजमेंट इस दरवाजे के पास है सारी संगत से बेनती है जिसे भी यूज़ करना हो यहाँ पर है धन गुरु नानक धन गुरु नानक बन जा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान बन जा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान स्वासादि माला सिमरा Yeah.
Da